मैं गवर्नमेंट को नहीं बदल सकता मैं पुलिस वालों को नहीं बदल सकता मैं जज को नहीं बदल सकता पर मैं अपने आप को बदल सकता हूँ आपकी आंखें सारे संसार के व्यक्तियों को देख सकते हैं पर अपने आप को नहीं देख सकते अपना चेहरा देखने के लिए आपको आईने की जरूरत है जब भी भगवान का नाम कहीं लेने पड़ता हूँ तो मेरे ये चला आज ऑफिस में मुझे ये करना है कल मेरे से ये नुकसान हो गया वो ध्यान मेरा लग नहीं पाता भगवान का नाम लिया पर भगवान को जाना नहीं पेट्रोल से दुनिया नहीं चल रही है मनुष्य चल रहे हैं तो उस पेट्रोल से जो किसान उगाता है अंदर की शक्ति होना बहुत जरूरी है और आपके अंदर है आपको लाचार होने की जरूरत नहीं है किसी को भी लाचार होने की जरूरत नहीं है। आज हमारे साथ ऐसे शख्स हैं जो कहते हैं शांति संभव है Ready to roll? हम धर्म की बात नहीं करते हैं। हम कर्म की बात नहीं करते हैं हम विचारने की बात करते हैं अपने आप को जानो और अगर अपने आप को जानने में आपको मदद चाहिए तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं जिस दिन आपने श्वास लिया आप सक्सेसफुल थे मैं मनुष्य ये मैंने पहली चीज समझी है। अगर आप शांत हैं तो फिर वो शांति बाहर पे आएगी आपका प्यार आपके अंदर है आपकी खुशी आपके अंदर है यह संदेश मेरे से बड़ा है इसलिए लोग मेरे संदेश को पहचाने बजाय मेरे चेहरे पर आपके अंदर हिम्मत है उसको आगे लाइए बात है क्या आपने अपना संतुलन खो दिया या नहीं खोया समय युवाओं का ही नहीं है सबका है यह है शांति की दवाई अपने आप को जानो शांति खुद आपके जीवन में आएगी माई सेल्फ इज़ हरप्रीत सिंह एंड आई एम द डिप्टी एडिटर ऑफ़ पी टी सी न्यूज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी इंटरव्यूज़ की हैं मुझे चौदह साल हो गए मीडिया में एक हज़ार से ज़्यादा इंटरव्यू की है मैंने बहुत बार ये होता है कि आप ज़्यादातर मैं पोलिटिकल लोगों के इंटरव्यूज़ करता हूँ मगर प्रेम रावत जी जैसी शख्सियतों से बहुत कम इंटरव्यूज़ हो पाते हैं आज मिल बहुत अच्छा लगा आ, आ, क्योंकि इंटरव्यू की खासियत ये रहती है कि अगर आप ले की भाषा में बात करें आम लोगों के सवालों औ, औ, को जानने की कोशिश करें तो उससे ज़्यादा बढ़िया इंटरव्यू कोई हो नहीं सकती तो मुझे सबसे अच्छा इस इंटरव्यू में ये लगा कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने मन की बहुत सारी बातें बहुत सारी जिज्ञासा थी जो वो उनसे पूछी काफ़ी कुछ क्लियर भी हुआ और आ, लोगों के मन की जो बात है लोगों की समस्याएँ हैं जो समाज में आजकल चल रहा है वो सारी चीज़ें जानने की कोशिश की और मुझे लगता है कि मैं इस इंटरव्यू के जरिए जो लोगों के सवाल हैं उनको बहुत स्टीक और साफ शब्दों में जवाब प्रेम रावत जी से निकलवा पाया हूँ सो मेरे लिए ये बहुत अच्छा और नया एक्सपीरियंस था मैंने कहीं पढ़ा है कि आप सुधार घर जो जेल्स होती हैं वहाँ पर भी जाते हैं कैदियों के साथ भी आप विचार वटांदरा करते हैं तो आमतौर पर भी आप सेमिनार्स वग़ैरह लगाते हैं क्या फ़र्क आपको दिखता है क्योंकि वो आपसे बात भी करते होंगे कम्युनिकेशन भी होता है जो अंदर लोग हैं उनमें और जो बाहर लोग हैं उनमें अंदर की परिस्थिति का क्या अंतर है देखिए जी बड़ी गलत फहमी है कि जो लोग बाहर हैं वो समझते हैं कि <laughs> वो स्वतंत्र हैं मैंने इसीलिए सवाल ये पूछा बहुत ही बड़ी गलत है क्योंकि बात यह है कि अगर हमारे घर में बाहर जाली नहीं लगी हुई है ढंग की तो हम सो नहीं सकेंगे रात को कि कोई चोर आ जाएगा बस इतनी बात है अंदर वाले को तो पता ही नहीं कोई नहीं है ना। उनके पास तो गार्ड भी हैं उनके वैसे तो मैं कहता हूं उनसे कि तुम्हारे पास तो गार्ड भी है तुम्हारे पास तो जाली भी है तुम्हारा तुम तुम्हारे, तुम्हारे प्रोटेक्शन है और आज हिंदुस्तान में बात हो रही है कि हर एक जगह गौसलखाना होने चाहिए हाँ। बाहर तो वो सचमुच में होने चाहिए और उनके पास हैं उनको तीन टाइम का खाना मिलता है अगर उनको कोई बीमारी हो जाए डॉक्टर है उनके पास पर वो खुश क्यों नहीं है वो वो भी खुश नहीं है और जो बाहर वाले हैं वो भी खुश नहीं हैं वो समझ रहे हैं कि हम जेल में हैं ये कितनी बुरी बात है और जो बाहर वाले हैं वो समझ रहे हैं कि मेरे पास ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है ये, नहीं है, ये कितनी बुरी बात है और बात यह है कि जब कोई जेल में जाता है किसी वजह से कुछ हुआ कोई हादसा हुआ उसके साथ जेल में जाता है तो वो पुलिस को क्या कहते हैं ब्लेम करता है दोष पुलिस ने अगर पुलिस ना होती तो मैं यहाँ नहीं होता वो अपने दोस्तों को दोष देता है अपने परिवार को दोष देता है जज को दोष देता है गवर्नमेंट को दोष देता है परंतु अपने से वो कुछ नहीं कहता बिल्कुल ठीक है और जब मैं जाता हूं और उनको सुनाता हूं कि तुम अपने बारे में जानो और जब वो जानते हैं जब जानने लगते हैं अपने बारे में तब उनको सही में एहसास आता है कि नहीं ये उनका दोष नहीं है ये मैंने किया गुँ. और सबसे बड़ी बात कि जब मैंने किया तो मैं तो अपने आप को बदल सकता हूं गुँ. मैं गवर्नमेंट को नहीं बदल सकता मैं पुलिस वालों को नहीं बदल सकता मैं जज को नहीं बदल सकता पर मैं अपने आप को बदल सकता हूं और जिस दिन ये होता है उस दिन उनकी सारी जो समय वहां पर है गुँ. सारी कहानी उनकी बदलने लगती है गुँ. अपने आप को जानने लगते हैं और यही हालत बाहर वालों के कि ये हो तब अच्छा होगा ये हो तब अच्छा होगा ये हो उसके तब पास अच्छा है, मेरे पास नहीं है हाँ वो इसलिए अच्छा है तो जिस दिन उनको पता लगने लगता है कि नहीं मैं मैं कौन हूं यही नहीं मालूम कि मैं कौन हूं अभी मैं सुना रहा था कि किसी से पूछा जाए कि तुम कहां से आए कहाँ जाओगे तुम हो कौन और अगर इन तीनों प्रश्नों का जवाब मिले पता नहीं मैं कहां से आया पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूं अब पता नहीं मैं हूं कौन तो हम तो सोचेंगे ये पागल है परंतु तो हमारे साथ भी तो यही जो हो रहा है कहां से आए किसी को नहीं मालूम कहाँ जाएंगे किसी को नहीं मालूम कौन हो ये भी नहीं पता ये भी नहीं मालूम तो इसलिए इतना बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को जाने और यह है शांति का सबसे पहली पहली सीढ़ी जो शांति की पहली सीढ़ी है मैं मैं वही कह रहा ना ये जानना बड़ा जरूरी है मैं अभी बैठा था दो मिनट पहले तो मैंने एक आपकी बुक खोली तो उसमें मैंने एक एक छोटी सी स्टोरी देखी कि एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो कहता मुझे बहुत पेन है वो कहता कहाँ पेन है वो कहता मैं यहाँ हाथ लगाता हूँ दिल में भी बहुत दर्द है मेरे घुटने में भी बहुत दर्द है मेरे सिर में भी बहुत दर्द है कहता बेटा तेरी उंगली टूट गई है दर्द कहीं और नहीं है तो ये जो डॉक्टर ने पहचाना है वो बंदा कैसे पहचान पाएगा क्या वो सक्षम है इन चीजों को पहचानने के लिए अगर वो बाहर की तरफ ही देख रहा है तो पहचान नहीं पाएगा देखिए आपकी आंखें आपकी आंखें सबको देख सकती हैं आपकी आंखें सारे संसार के व्यक्तियों को देख सकती हैं पर अपने आप को नहीं देख सकती अपना चेहरा देखने के लिए आपको आईने की जरूरत किसी और का चेहरा देखने के लिए आपको आईने की जरूरत नहीं अपना चेहरा देखने के लिए आपको आने की जरूरत ठीक उसी प्रकार अपने आप को जानना अपने आप को और अपने आप को जानने के लिए एक आईने की जरूरत है और उस आईने में देखने के लिए इतनी जरूरत आपको जरूर है कि जरूरी है कि मैं देखूं कि इस आईने में क्या है इन भावों से नहीं कि मैं अच्छा लगता हूं मैं बुरा लगता हूं कि मैं हूं कौन क्या हूं मैं जब तक इसको हम नहीं जानेंगे तब तक कहानी आगे बढ़ेगी जरूर परंतु अच्छी नहीं बढ़ेगी और जैसी बढ़ेगी आप देख रहे हैं संसार में क्या हो रहा है क्योंकि जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हैं ये अमेरिका में भी हैं ये इंग्लैंड में भी हैं ये जर्मनी में भी हैं ये इटली में भी हैं ये ऑस्ट्रेलिया में भी हैं ये न्यूजीलैंड में भी हैं कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ लोग एकदम से इस तरीके से हैं कि क्या होगा कल क्या होगा कल क्या होगा कल क्या होगा, कल क्या होगा मेरा क्या होगा मैं कौन हूं तो यह प्रश्न तो हमेशा से रहा है मनुष्य के एक्चुअली मुझे सोशल uh, मीडिया से ही एक दो बार पता भी चला था तो मैंने यूट्यूब पे उनके लेक्चर भी देखे थे और एक इंटरव्यू भी देखा था तो मुझे लगा था कि ही इज़ द प्रैक्टिकल मैन जिसको पता है कि हाँ ज़मीनी हकीकत क्या है आमतौर पे ये होता है कि आ, आम लोगों को बोल दिया जाता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम सरकार के साथ बात करो पुलिस के साथ बात करो भगवान का पाठ करो मंदिर जाओ गुरुद्वारे जाओ पूजा पाठ करो तो इन ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं मगर ज़रूरी है कि प्रैक्टिकल चीज़ों को कैसे हल किया जाए ये जानना बड़ा जरूरी है इसलिए मुझे लगा कि अगर मैं मिलूँगा तो मैं ये सारी बातें पूछूँगा कि भगवान ठीक है भगवान का नाम लेना भी ठीक है मगर प्रैक्टिकल ये समस्याएँ जो आपके अंदर चल रही हैं जो दौड़ चल रही है उस पर लगाम कैसी लगाया जाए तो इसलिए मुझे अच्छा लगा एक बात है कि जब भी हम कहते हैं हमारे बुजुर्ग हमें कहते हैं या कोई धर्म गुरु कहते हैं कि भगवान का नाम लो पाठ करो गुरबाणी का पाठ करो मगर बहुत बार शिकायत ये होती है कि मेरा मन नहीं लगता मैं जब भी भगवान का नाम कहीं लेने पड़ता हूं तो मेरे ये चला आज ऑफिस में मुझे ये करना है कल मेरे से ये नुकसान हो गया वो ध्यान मेरा लग नहीं पाता तो फिर आपका ध्यान नहीं लग रहा आप फिर भी पढ़ रहे हो और आपको यह लगता है कि भाई कोटा पूरा हो गया आज मैंने नाम सिमरन कर लिया मेरा काम खत्म इससे कोई फर्क पड़ता पर पड़े अच्छी बात है जो भगवान का चिंतन करता है इसमें क्या खराबी हो सकती है कि वो अपने बनाने वाले का चिंतन करे किसी भी रूप में करे परंतु एक बात है छोटी सी कि एक राम दशरथ का बेटा एक राम घट घट में बैठा एक राम का जगत पसारा एक राम जगत से न्यारा तो अगर जो रामायण आप पढ़ रहे हैं वो दशरथ के बेटे की है और एक राम घटकट में बैठा ना उसका कोई नाम है ना उसका कोई आकार है उससे भी तो संपर्क करो जरूरी जरूरी है क्योंकि वही तुम्हारे अंदर है वही तुमको चला रहा है और अगर ये नहीं हो सके तो ये तो वो वाली बात हो जाती है कि भगवान का नाम लिया पर भगवान को जाना नहीं एग्जैक्टली exactly. मेरा सवाल हाँ? तो, तो, तो ये था वाली बात है कि एक कमरे में आपने दस आदमियों को बैठा रखा है अब उनसे आप कहते हैं कि भाई अपने अपनी बीवियों का चिंतन कीजिए और जिसकी बीवी नहीं है वो क्या चिंतन करेगा उसकी हाई नहीं ठीक है तो जिसकी है तो वो तो कर सकता है परंतु तो जिसकी है ही नहीं वो क्या करेगा क्या करेगा तो नाम लेने से नाम लेने से कुछ नहीं है और कहा भी है कि नाम लिए क्या होए धन धन कहे जो धनी बने तो निर्धन रहे कोई। ना कोई तो नाम से कुछ नहीं है जानना है तो हमारे विश्वास है कि भाई ये करो ये करो तीरथ जाओ ये करो वो करो सब कुछ हो जाएगा परंतु जानना अब कोई आपको आपको भूख लगी है और कहे कोई कहे भाई मैं आपको वर्णन सुनाऊंगा खाने का तो भूख नहीं मिट सकती भूख तो मिटेगी नहीं वर्णन आप सुनिए सारी रात सुनिए हफ्ते भर सुनिए छह महीने सुनिए खाना कहा है और जिसकी मैं बात कर रहा हूं जो आपके घर में बैठा है वो इमेजिनरी नहीं है वो सिर्फ किसी का ख्याल नहीं है वो असली में है और जब तक उस चीज को आप समझेंगे नहीं उसका उस उसका अनुभव नहीं करेंगे जब तक तो नर्तन भव कहूं मेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो ये मनुष्य शरीर इस भव सागर से पार करने का एक साधन है नर्तन भव वारित कहूँ बेरो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है कृपा है। तो इस कृपा को आपने स्वीकार किया या नहीं किया इस कृपा को आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं श्वास चल रहा है इतना आपको मालूम है कि जिस दिन बंद हो जाएगा उस दिन आपका कोई नाता नहीं रहेगा जो आपका घर है वो आपका नहीं हो जाएगा एकदम ये श्वास इसको हम समझते नहीं है बच्चा पैदा होता है क्या देखते हैं उसको सबसे पहले यह नहीं कि लड़का है लड़की है सांस ले रहा है या नहीं उससे पहले यह रहता है कि लड़का होगा लड़की होगी लड़का होगा लड़की होगी परंतु उस समय जब वो बच्चा निकल के आता है तो ख्याल एक ही रहता है सांस ले रहा है क्या ले नहीं ले? ले रहा और अगर नहीं ले रहा है वो कहीं नहीं जाएगा उसको उसकी मां दूध भी नहीं पिलाएगी कुछ नहीं होगा घर भी नहीं आएगा वो अगर अस्पताल में पैदा हुआ घर भी नहीं आएगा और जिस घर में आपने जिस घर को आपने बनाया और जिस दिन आपका श्वास आना जाना बंद हो जाएगा वो आपका घर नहीं रह जाएगा नहीं। तो घर के पीछे लोग बने पड़े हुए हैं पर ये घर एक ऐसी जगह है कि जब तक ये श्वास आ रहा है जा रहा है ये आपका है और जब ये नहीं आएगा नहीं जाएगा तब ये आपका नहीं रहेगा कोई और आ जाएगा इसमें और वो तब तक रहेगा जब तक उसका श्वास आ रहा है जा रहा है परंतु एक आदमी रहा उस घर में दूसरा आदमी रहा उस घर में तीसरा आदमी रहा उस घर में चौथा आदमी रहा उस घर में पर इन चारों ने कभी उस श्वास को जिसकी वजह से वो वहां हैं, जिसकी वजह से मनुष्य जिंदा है उसको समझने की कोशिश सबसे मेजर प्रॉब्लम चल रही है फार्मर सुसाइड्स की किसान बहुत आत्महत्याएं कर रहे हैं हर रोज तीन चार की एवरेज बन रही है कि किसान सुसाइड कर रहे हैं और सबसे बड़ा कारण है कि उनके ऊपर कर्जा बहुत है कर्ज बहुत है तो बहुत बार ये हुआ कि पंचायतें इकट्ठी हों उनका मनोबल बढ़ाया जाए कि नहीं सुसाइड किसी भी बात का हल नहीं है कोई जरिया नहीं है हम आपके साथ हैं कुछ ना कुछ मिल बाट कर करेंगे बट इसका कोई असर नहीं हो रहा लगातार सुसाइड्स हो रहे हैं ऐसी स्थिति में जब बैंक वाले उसके घर में रोज आते हैं ऐसी स्थिति में जब वो गांव बाहर नहीं जा सकता ऐसी स्थिति में जब घर का चूल्हा ठंडा पड़ा उस स्थिति में क्या किसान जी पाएगा उसके अंदर की परिस्थिति ऐसी बनी होती है उसको लगता है कि एक जरिया मैं मर जाऊँ सब खत्म ये नहीं पता कि पीछे वाले तिल तिल मरते रहेंगे फिर भी देखिए लाचारी ये बहुत बड़ी बीमारी है बहुत बड़ी बीमारी है क्योंकि जब मनुष्य अपने आप को देखता है कि वह लाचार है उसके पास कोई रास्ता नहीं है कोई आशा नहीं बची निराश हो जाता है यह ठीक बात नहीं है किसान अनदाता है अन उपजाता है उससे दुनिया चल रही है बिल्कुल हम फ्यूल की तरफ पेट्रोल की तरफ लगते हैं पेट्रोल से दुनिया नहीं चल रही है मनुष्य चल रहे हैं तो उस पेट्रोल से जो किसान उगाता है जो उस जमीन से उस धरती से निकलता है और उन सभी लोगों को जो भी कभी लाचार हो उनको मैं यह कहना चाहता हूं कि जब सारे संसार के अंदर अंधेरा 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 ही दिखाई देता है भी तुम्हारे हृदय के अंदर एक दिया है जो जल रहा है अगर उस दिए को तुम बाहर ले आए तो वो तुम्हारी अंधेरी दुनिया में उजाला कर देगा निराश मत हो दुख आता है बुरा समय आता है अच्छा समय आता है जब बुरा समय आता है तो एक बात का ख्याल रखो एक दिन ये जाएगा बुरा समय भी जाएगा नहीं मगर आप ही ने बोला कि जब लाचार हो जाता बंदा फिर जब लाचार हो जाता है वो ऑटोमेटिकली निराश भी हो जाता है हताश भी हो जाता बिल्कुल है। उसके अंदर की जो लो आप बोल रहे हो वो भी भुज जाती है कि अब मैं हर तरफ से खत्म हो चुका नहीं अब मेरे पास कुछ नहीं है करने को वो स, वो समझता है कि उसके अंदर की जो अंदर का जो दिया है वो बुझ गया पर वो बुझा नहीं है यही मैं पहले कह रहा था कि जब ऐसी चीजें ऐसी समस्याएं हमारे पास आती हैं और हमको हिला देती हैं जब अंदर की शक्ति नहीं है तो अंदर की शक्ति होना बहुत जरूरी है और आपके अंदर है आपको लाचार होने की जरूरत नहीं है किसी को भी लाचार होने की जरूरत नहीं है इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसी मेरी चाह हाथ से नहीं होते जिसमें मेरे को दुख नहीं होता है परंतु उस दुख में भी मैं जानता हूं मैं अगर अंतर्मुख हो सकूं अपने अंदर झांक सकूं तो मेरे को एक आशा मिलेगी मेरी अपनी आशा मेरी अपनी शक्ति ठीक है ये आज चूल्हा नहीं जल रहा है एक समय था ये चूल्हा ही नहीं था मैंने ही ये चूल्हा बनाया मैंने ही इसमें आग लगाई और आज नहीं जल रहा है कोई बात नहीं जलेगा ये एक दिन ये आदमी की हिम्मत ये आदमी की कोशिश देखिए एक चीज़ हर एक आदमी के साथ हुई है हर एक मनुष्य के साथ हुई है चाहे वो आदमी मनुष्य है या औरत है कोई सबके साथ हुई है जब हम छोटे थे और हमने चलना सीखना शुरू किया तो हम गिरते थे या नहीं बिल्कुल और गिरते थे तो इसका मतलब है कि हमने सब कुछ छोड़ दिया नहीं नहीं क्या किया फिर उठते थे फिर चलते थे फिर गिरते थे तो हम जो असफलता थी इसको हमने कभी स्वीकार नहीं किया नहीं। जब हम छोटे थे तो इतनी शक्ति थी कि असफलता को हमने स्वीकार नहीं किया और एक दिन क्योंकि हमने असफलता को स्वीकार नहीं किया हम सफल हो गए आज चल, चलते हैं तो यही बात जीवन में भी लागू होनी चाहिए असफलता जब सामने आए इसको स्वीकार कर एक आखिरी क्वेश्चन मैं थोड़ा सा पर्सनल आपसे पूछूंगा ये आ, हमारे समाज की एक प्रवृत्ति बन गई है कि कोई भी बंदा कुछ अच्छा काम कर रहा है या कोई नोबल कॉज कर रहा है तो दिमाग ऑटोमेटिकली पीछे जाता है ये प्रेम रावत जी क्यों ऐसा कर रहे हैं ये प्रेम रावत जी शांति के दूत क्यों बने हुए हैं ऐसा फिनोमिना हमारे दिमाग में ज़रूर आता है इसके पीछे उनकी क्या मंशा हो सकती है मैं डायरेक्ट आपसे पूछ लेता हूँ इसके पीछे क्या मंशा है क्या ज़रूरत पड़ गई आपको पूरे समाज में शांति का संदेश फैलाने की देखिए मेरे लिए मैं अपनी निजी बात कर रहा हूँ मैं कुछ भी हो सकता था क्योंकि जब मैं विदेश गया तो मैंने हवाई जहाज भी चलाना सीखा हवाई जहाज ही नहीं चलाना सीखा मैंने हेलीकॉप्टर भी चलाना सीखा और मेरे को जॉब ऑफर्स आते थे मैं इंस्ट्रक्टर भी हूँ सिखाने के लिए हेलीकॉप्टर को ग्लाइडर को हवाई जहाज को मेरे पास चौदह हज़ार घंटे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है Uh, मैंने जेट्स भी उड़ाए हैं मैंने पंखे वाले हल, क्या कहते हैं हवाई जहाज भी उड़ाए हैं हाँ। तो बात यह है कि जब मैं छोटा था तो मैंने देखा कि लोग जो उनके जीवन में असली चीज़ थी असली चीज़ जिसके लिए कहा कि भीखा भूखा कोई नहीं सबकी गठड़ी लाल गठड़ी खोलना भूल गए इस विधि वह कंगाल तो मैं देख रहा था कि सारा संसार कंगाल हो रहा है परंतु उसके अंदर की जो गठड़ी है वो कोई नहीं खोल रहा है मैं आपको एक बात बताऊं जब मैं लोगों को ये बात सुनाता हूं और लोगों को मेरी बात समझ में आती है उनके मुंह में मुस्कान आती है उनके होठल पर मुस्कान आती है इससे अच्छी कमाई कोई हो नहीं सकती तो उससे आपको जो मिलता है ना आपको जो मिलता है वो एक ऐसा उपहार है कि पूछिए मत और ये मैं करता रहूंगा जब तक ये श्वास मेरे अंदर आ रहा है जा रहा है मैं करता रहूंगा जिंदगी का कोई गोल जहां पर लगे कि बस अब ठीक है नहीं जब तक आनंद है तब तक आनंद है उसके बाद हमारा भी कोई पता नहीं कब चले जाना <laughs> ਵਾਦ-ਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੇਮ रावत ਜੀ ਹਮਸੇ ਬਾਤਚਿਤ ਕਰਨੇ ਲਈ ਸੋ ਇਸਨ ਪ੍ਰੇਮ रावत ਜੀ ਜਨਰਲ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਤਮ ਚੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੋਚਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਬੁਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਜਗਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ